नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं एक केस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूंगा 17 साल के लड़के की, जो होमोसेक्सुअल ओसीडी का शिकार हो जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है उसकी कि आत्महत्या करने का ऐसा नौबत आ जाता है उसको। और फिर उस लड़के का ट्रीटमेंट होता है हमारे पास में और वह लड़का 32 दिन में ठीक होता है। इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली से एक लड़का था 17 वर्षीय, उसको 12-13 वर्ष की आयु में ऐसा होता है कि मान करके चलो मेल के प्राइवेट पार्ट की तरफ ध्यान जाना, ऐसा करना कि इसका मैं टच करूं, इसका साथ कुछ मैं कर लूं, ये सब चीजें उसके साथ हो रही थी। तो वह इस प्रॉब्लम से सफरिंग करता है और एक दो बार वह अपने किसी रिश्तेदार के फ्रेंड के ऐसा टच वगैरह कर देता है। तो यहाँ से उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा फाइंड आउट किया जाता है। घर वालों के दृष्टिकोण में यह बात आती है कि हाँ ऐसा ऐसा करके ऐसा किया, तो उससे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। अब फिर उन्होंने कुछ खोजबीन की, खोजबीन करके हमारे से संपर्क किया, हमने केस हिस्ट्री लिया। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा तो पढ़ने में ऐसा था, अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी थी, तो ये प्रॉब्लम कैसे हुई। तो जब केस हिस्ट्री उसकी हुई तो केस हिस्ट्री में यह बात निकल करके आई कि एक तो बचपन में बच्चे को जो माता का स्तनपान होता है वह बहुत कम करवाया गया, उस ओरल जो स्टेज थी उसका इसके अंदर अभाव रहा। ठीक है, तो ये केस हिस्ट्री में बात निकल करके आई। दूसरी, वह बच्चा कम से कम 16 या 17 साल की उम्र तक, 16 तक मान करके चलो, 17 में तो उसको प्रॉब्लम था ही, तो वह घर घर में रहा करता था और घर में लेडीज का ऐसा वैसा माहौल और ट्यूशन, लड़कियों के साथ जाना पढ़ना, ये सब चीजें थी, तो वह भी इम्पैक्ट उसके ऊपर रहा। यह सब चीजें उसके साथ होती रही, यह सब कारण थे जो उसकी इस ओसीडी को ट्रिगर कर रहे थे। तो घर वालों ने बोला कि ऐसा क्या था कि इसका हमें बताइए। तो डीप इसका जो केस हिस्ट्री हुआ उसके अंदर ये दो चीजें निकल करके आई। एक, मदर ने उसे स्तनपान बहुत कम करवाया था, उसका जो ओरल स्टेज का डेवलपमेंट था वह बहुत ही कम हुआ। दूसरा, उसका ऐसा वातावरण सेट कर दिया गया कि लड़कियों के साथ रहना, उनके साथ आना जाना बैठना, अधिकतर समय उन्हीं की बातों को सुनना, विजुलाइज करना, उनके जैसा ऐसा थिंकिंग रखना, तो बहुत सारी चीज़ें इसको डेवलप करने में लग गई। अब लड़का HOCD से ग्रसित हो जाता है, फिर उसका हमारे पास में ट्रीटमेंट होता है, उसको बहुत सारी चीज़ों से अवगत करवाया जाता है और 32 दिन में वह अपनी इस जंग से जीत जाता है और आज अपना अच्छा जीवन जी रहा है। जो उसके नेगेटिव बिलीफ थे खुद के प्रति, वह सब क्लियर हो चुके हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को वह पहचान चुका है, सब चीज़ें अच्छे से चल रही है। अब उनका तो यह ठीक हो गया। अगला नंबर आपका। देखो, मैंने इतनी वीडियोस में इतनी सारी स्टोरी आपके साथ में शेयर की है, इतनी सारी बातों को बताया है, इतने सारे पॉइंट्स आपके सामने ला करके रख रहा हूँ, तो आपके अंदर एक जुनून तो पैदा होना चाहिए ना कि हाँ मुझे भी अपनी OCD को ठीक करना है, मुझे भी एफर्ट लगाना है, मैं भी इस सूची में आना चाहता हूँ, मैं भी अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहता हूँ, मुझे भी इसके अंदर रिजल्ट चाहिए। यह सब आपकी ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी ये वाला रिजल्ट चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसके अंदर जनरलाइज करते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था, कहीं इसका क्राइटेरिया ऐसे ऐसे मेरे साथ मैच तो नहीं कर रहा, कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं वो तो नहीं हो रहा, इसमें मैंने ऐसा किया, ये तो इसका क्राइटेरिया बनता है, ये तो इसका बनता है, ये होता है, वो होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, गूगल से निकालेंगे और फिर उसके साथ अपना ऐसा कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जो आप कंपेयर करके आते हो ना वह बहुत ही गलत है और यह आपको पीछे लेकर के जा रहा है, आगे नहीं लेकर के जा रहा। कहीं आप सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया है, ये हो गया है, वो हो गया है,
मैंने 99.99% लोगों को इस ऐसा कंपेयर करने के बाद फंसते ही देखा है, किसी को निकलते हुए तो मैंने देखा नहीं, ठीक है ना। तो यह चीज़ गलत है, इस चीज़ को आप नहीं अप्लाई करेंगे। ऐसा आप खुद से प्रण लें, मेरा बात तो माने चाहे नहीं माने, आप खुद से प्रण लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर कर लिया है तो उन सब आंकड़ों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, अगर इससे बाहर निकलना है तो, ठीक है ना। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, जब तक दिमाग में मुश्किल बना करके बैठे हो ना। मेरे पास कॉल आता है, लोग बोलते हैं कि सर मैंने सुना है कि इससे तो बाहर निकलना मुश्किल है। मैंने कहा कहाँ से सुना? मैंने सुना था। अरे कहाँ से सुना? मैंने गूगल से पढ़ा था। अब दिमाग में धारणा बन गई ना, इससे बाहर निकलना मुश्किल है, ठीक है ना। अब पता नहीं वो बात किसके लिए कैसे बोली गई है, ठीक है। तो आपने तो अपने प्रति धारणा बना ली कि हाँ ये ठीक नहीं होता है, बना ली, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से धारणा बनाकर अगर हम भी बैठ गए अपने प्रति, तो फिर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रण लीजिए और उठ खड़े हुई अपने लिए और प्रयास करिए, आप बाहर निकल जाओगे इस चीज से, ठीक है। तो उस लड़के का जैसे केस हिस्ट्री मैंने बताया कि बचपन की कुछ चीजें रही थी, कुछ ऐसा कंडीशनिंग हो गया उसके माइंड के साथ में, और फिर उसके साथ ये चीज हुई, ठीक है। गलती से उसने एक दो कोई ऐसा कोइंसिडेंस कुछ कर लिया, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीजें हो गई। अब जो हो गया उसको छोड़िए, ठीक है, उसको बदलने की आप चाहत पैदा करिए, ताकत रखिए, तो वो चीज बदल जाएगी, ठीक है। और आप अपने फ्यूचर को देखिए, फ्यूचर को ठीक करना है तो प्रेजेंट में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। पास्ट को आप ऐसा मत ऐसा करिए, टारगेट करिए कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई बात नहीं है, जो हो गया उसे छोड़ दीजिए, बात खत्म, ठीक है ना। अगर पास्ट की चीज को आप वर्तमान में ला करके उस पे ऐसा छींटा डाल करके पानी का, तो उसको हरा भरा तो कर रहे हो ना आप। पास्ट की जो चीज है ना, वह सिर्फ और सिर्फ एक विचार है, उसमें खाद पानी हवा डालकर आप उसको बहुत बड़ा वृक्ष बना रहे हो, तो इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और जितना जल्दी आप इस बात को समझ लोगे ना, उतना बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो आज की मेरी इस बात को समझना है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।